व्यायाम के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस क्रिया से शरीर के अंदर में श्रम थकावट उत्पन्न होती है यानी आयास उत्पन्न हो उसे व्यायाम कहते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम उत्यते, यानी कि शरीर के द्वारा जो थकान पैदा करने को या श्रम करने को उसको व्यायाम कहा जाता है, ये अष्टांग संहिता में कहा है। तो व्यायाम से शरीर में दृढ़ता यानी कि बल और स्थिरता की प्राप्ति होती है। व्यायाम करने से हम सब जानते हैं कि शरीर सुडोल होता है, व्यायाम करने से शरीर का बल बढ़ता है, व्यायाम करने से विविध तरह की बीमारियों से हमको उससे निवृत्ति होती है, इसीलिए व्यायाम को नित्य प्रति करने का कार्य माना गया है। व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए, जिस तरह से हम प्रतिदिन आहार करते हैं, प्रतिदिन बाकी कार्य करते हैं, उसी तरह से व्यायाम को भी प्रतिदिन करना चाहिए और इसको सब ऋतुओं में करना चाहिए। और व्यायाम के लिए कहा कि व्यायाम कितना करें, कहा कि अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए, यानी कि अति व्यायाम को भी हानिकारक माना गया है। व्यायाम न करना, व्यायामहीन जो लोग हैं वह भी ठीक नहीं है, अति व्यायाम करना भी उचित नहीं है। तो इसीलिए जितना शरीर का सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, उतना व्यायाम जरूर करना चाहिए। यानी कि हेमंत शिशिर और वसंत ऋतु में कहा कि अपनी शक्ति से आधी शक्ति यानी कि थोड़ा सा माथे और बगल में पसीना आ जाए तब तक करें चाहें, पर ग्रीष्म में, वर्षा में और शरद में भी कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि वर्ष जो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, आदि में वात का संचय और प्रकोप होता है, इसीलिए कहा थोड़ा सा व्यायाम कम करें। परंतु व्यायाम करने के बाद में सारे शरीर को धीरे 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 धीरे, पहले मालिश हम पहले कर चुके हैं, व्यायाम करने से स्वेद या इसकी जो है थोड़ी सी इसके अंदर पसीना निकलने लगता है, तो हल्का हल्का मालिश करना चाहिए जिससे कि शरीर को कष्ट न पहुँचे। थोड़ा थोड़ा सा आप रिलैक्स होना चाहिए, यानी कि व्यायाम करने से उत्पन्न जो थकान है उसको दूर कर लेना चाहिए। तो ये जरूरी है, व्यायाम करते समय जब आप व्यायाम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा वार्म अप यानी कि थोड़ी सी शरीर में थोड़ी सी उष्णता, थोड़ी सी गर्मी आए उस तरह से करना चाहिए। एकदम सीधे सीधे से भारी व्यायाम या भारी एक्सरसाइज या दौड़ने भी जाते हैं तो आप एकदम तेजी से नहीं दौड़ें, धीरे 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 जब शरीर में थोड़ी सी उष्णता हो तब इस तरह से करें। आपको थोड़ा आसन करना है, प्राणायाम करना है, तो भी शुरू शुरू में थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें, हाथ पैरों को मोड़े तोड़े, हाथ पैरों को थोड़ा हिला लें, थोड़ा ऊपर नीचे करें, थोड़ा सा झुकें, सब करके तब फिर धीरे धीरे व्यायाम की गति को बढ़ाएं। तो ये व्यायाम करने की विधि है, जब तक शरीर के अंदर थोड़ी सी उष्णता, उष्मा और थोड़ा सा शरीर तैयार हो जाए तो फिर धीरे धीरे व्यायाम को बढ़ाएं। एकदम सीधे सीधे आक्रमण नहीं होना चाहिए, शरीर के प्रति एकदम झटका नहीं होना चाहिए, कई बार शरीर को नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए व्यायाम की प्रशंसा तो बहुत की गई है। यदि बात करें आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों में सब जगह पर लिखा है कि ये व्यायाम आरोग्य के लिए परम आवश्यक है और इसीलिए वैज्ञानिक रीति से जो वैज्ञानिकतापूर्ण जो ढंग है उसलिए सर्वांगीण लाभकारी व्यायाम करना चाहिए। यदि सर्वांगीण लाभकारी की बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि योगासन, प्राणायाम इससे अद्भुत और कुछ भी नहीं है। We'll be right back.